से खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। दोस्तों, शाहरुख खान ने पिछले साल बैक टू बैक 3 हिट फिल्में देकर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की। किंग बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने पर्दे पर अलग अलग किरदार निभाए हैं। वह भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रोल निभाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। शाहरुख खान की इस इच्छा पर विराट कोहली की पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने ऐसा रिएक्शन दिया था जिसे जान कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। अंग्रेजी वेबसाइट फिल्म फेयर की खबर के अनुसार शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि वह पर्दे पर विराट कोहली का रोल करना चाहते हैं। उनकी यह बात सुन अनुष्का शर्मा ने मजेदार रिएक्शन दिया था। एक्ट्रेस ने शाहरुख खान की बात पर कहा था कि विराट कोहली का रोल करने से पहले वह उनकी तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा ले। बता दें, अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद दोनों जब तक है जान और जीरो जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्म जीरो साल 2018 में आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान ने एक्टिंग से लंबा ब्रेक लिया था। इसके बाद उन्होंने पिछले साल फिल्म पठान से बॉक्स ऑफिस पर वापसी की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। पठान शाहरुख खान के करियर की पहली 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनी। इसके बाद किंग खान फिल्म जवान को लेकर आए। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। जवान शाहरुख खान की पठान से भी बड़ी हिट बनी। जवान के बाद किंग खान ने फिल्म डंकी में काम किया। उनकी यह भी फिल्म सुपर हिट रही थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान विराट कोहली की बायोपिक में कैसे रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी किंग खान शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।